जब गरु की मृत्यु की प्रसन्नता में उसकी माँ के हाथ के बने लड्डू खाऊंगी तो कितना आनंद आएगा। इन्हें इतना प्रसन्न देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा संदेह हो रहा है। नहीं, कुछ अनुचित नहीं सोचना चाहिए मुझे। पहले भी ऐसे ही संदेह के कारण एक पुत्र को हानि पहुंचा चुकी हूँ, फिर मैं वही त्रुटि नहीं कर सकती। हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले गरुड़। तू स्वयं को मेरा आज्ञाकारी पुत्र कहता है ना? बार बार दावा करता है कि तू मेरा कहा नहीं टाल सकता, तो अभी मेरी अवज्ञा क्यों कर रहा है? मैं आपको क्रोध नहीं दिलाना चाहता माँ, पर क्या करूं? एक अजीब सी शंका मन में जन्म ले रही है। आप मुझसे इतने समय बाद मिली पर मुझे हृदय से भी नहीं लगाया, अपनी बड़ी बहन अदिति माँ को प्रणाम भी नहीं किया। अभी अभी माँ पाताल भैरवी के साथ जिस शिवलिंग की आराधना मैंने की है, आपने उसे देखा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये जानते हुए कि मैं अरुण भैया से और शेषनाग भैया से मिलकर आया हूँ, आपने ये तक नहीं पूछा कि वो कैसे हैं। कुशल से तो हैं। वो मैं पूछती, सब पूछती, किंतु प्रश्न इतने सारे हैं और जिज्ञासा इतनी अधिक कि मैंने घर चलकर पूछना उचित समझा। इसलिए तो मैं शीघ्र ही यहां से जाना चाहती हूं। अब तू विलंब मत कर, यहां बहुत संकट है। ये दुष्ट असुर किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। असुरो, आगे बढ़ो। मैं यहां से नहीं जा सकता माँ। सोच विचार में समय व्यर्थ मत कर, शीघ्रता कर, चल मेरे साथ। आपने जब मुझे वो संस्कार दिए थे, या तो आपको समझने में मुझसे तब भूल हुई थी या अब हो रही है। माँ वो सातों संस्कार एक बार फिर से बताइए ना। अभी? हाँ, अभी। यदि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसकी शंका और भी अधिक बढ़ जाएगी, और यदि इसे क्रोध आ गया तो नहीं नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनना चाहता है ना, तो सुन, पर इस बार स्मरण रखना, ऐसा कोई युद्ध मत करना जिसे तू जीत ना सके। धन के लिए यदि तुझे जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराना पड़े तो हिचकिचाना मत। इस संसार में जीवित रहने का अधिकार केवल उसे ही है जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो। शत्रु को वार करने का अवसर मिले उससे पहले तू ही उस पर वार कर देना। सदैव शीश उठाकर चलना, भूमि पर देखना कायरता का चिन्ह है। तेरा चौथा संस्कार है दृष्टि नीचे रखना, विनम्रता से झुका हुआ शीश ही पूजनीय होता है। यदि पराजय सामने हो तो शीश झुकाना शीश कटाने से अच्छा विकल्प है। जिन विषयों का संबंध तुझसे नहीं है उसमें कभी हस्तक्षेप मत करना। स्वयं का हित सोचे बिना केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही परोपकार होता है। इसे निस्वार्थ भाव से करना होता है गुरु,
किसी लाभ अपेक्षा या प्रशंसा के बिना। कौन से संस्कार है ये? ये मेरी माँ नहीं हो सकती, कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य है। करुण उस ओर कहाँ जा रहा है तू? हमें घर जाना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अदिति माँ की तपस्या की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म का पालन करना चाहता हूँ। धर्म अधर्म मुझे समझाएगा? पक्षी है तू, पक्षी है तू, पक्षी है तू, केवल एक पक्षी। मेरा अर्थ है गरुड़। ना तो मेरी माँ मुझे कभी ऐसे पुकारती है और ना ही धर्म के मार्ग पर चलने से मुझे रोकती है। आप मेरी माँ नहीं है। कौन है आप? जानना पर्याप्त नहीं है पक्षी, अब पहचान ले, मैं तुझे जीवित ही खा जाऊंगी। तेरी मृत्यु हूं मैं सिंह का। सेनापति आक्रमण कीजिए। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? कोई भी प्राणी अपनी छाया से पीछा छुड़ाकर भाग नहीं सकता है, और अब तेरी छाया को मैंने बंदी बना लिया है। अब कहां जाएगा पक्षी? गरुड़, पर ऐसे क्यों पुकार रहा है वो? क्या वो किसी संकट में है? हे जगत पिता, हे प्रभु विष्णु, मैं जानती हूँ भक्त को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, पर क्या करूँ मैं? जब से मेरा पुत्र मुझे छोड़कर गया है, न जाने क्यों बार बार ऐसा लगता है मुझे जैसे वो चाहकर भी मेरे पास वापस नहीं लौट पाएगा। जब संतान छोटी होती है, उसका प्रथम और अंतिम सहारा होता है माँ का आंचल, पर फिर धीरे धीरे वो उस आंचल की छाप को भूल जाती है। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, ताकि मेरा गरुड़ जहाँ कहीं भी हो, अपनी माँ के आंचल की ठंडी छाप को कभी ना भूले। Yeah.
रुक जाइए। आप मेरी मां बनकर मेरे सामने आए, दो पल के लिए सही, पर आपके कारण मैं अपनी मां के दर्शन कर पाया, उनके साथ होने के दिव्य अनुभव को जी पाया, इसलिए मैं आप पर प्रहार नहीं करना चाहता। सिंहिका, यही सही अवसर है, प्रहार करो। मूर्ख है ये पक्षी, भावुक है, आक्रमण करो इस पर। इतनी दृष्टता, मुझे पराजित करने के लिए मां के प्रति मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाया तूने, अपने छल में मेरी मां का उपयोग किया, तूने गरुड़ की मातृभक्ति को ललकारा है वज्रांग, इसी क्षण अपने प्राण बचाकर भाग जा वज्रांग, या फिर अत्यंत भयानक और पीड़ादायक मृत्यु के लिए तैयार हो जा। असुर सेना आगे बढ़ो। युद्ध उनका नहीं है, यह संघर्ष तेरे और मेरे मध्य है। असुरों का सेनापति है तो निर्दोष सैनिकों के प्राण संकट में मत डाल, यदि साहस है युद्ध कर मुझसे, छल से नहीं, बल से, वीरता से। मुझसे युद्ध करेगा तो आज के पश्चात किसी और से युद्ध करने योग्य नहीं बचेगा गरुड़।
बजराल। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। मैं दीदी हूँ, असुरों की माँ, तुम्हारी बड़ी माँ। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, उसके प्राणदान में दे दो, क्षमा कर दो करुण। मुझे क्षमा कैसे दीदी माँ, पर आप जो कह रही वो संभव नहीं है। इसने मेरी माँ का अपमान किया है, इससे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं करुण, नहीं। मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ, पर मैं एक माँ हूँ करुण। माँ होने के नाते मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। मतलब मैं तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी हर आशा, तुम्हारी हर अभिलाष पूरी करूंगी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो करुण। मेरी माँ के सम्मान के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है मेरी। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ दीदी माँ, मुझे मत रोकिए, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। मैं अपनी माँ का अनादर भी नहीं सह सकता, इसे अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं करुण, नहीं। तुम अपनी माँ की दासता की कथा सुनना चाहते हो ना, मैं तुम्हें सुनाऊंगी, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। सत्य कह रही हैं आप? हाँ, मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। मेरे पुत्र के प्राण के लिए तो बहुत छोटा सा मूल्य है। आप सब कुछ बताएंगे मुझे? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें सब कुछ सत्य बताऊंगी। जिस सत्य को जानने के लिए अधीर था मैं, तड़प रहा था, वो सत्य अब पता चलेगा मुझे।